नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। रईस खान ने होली मिलन समारोह पर अपने तमाम वोटों की मौजूदगी में एक सभा की, जिसमें नॉमिनेशन को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि MLC चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजद ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुका है, वहीं भाजपा को चेहरा तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन रईस खान निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, वो लगातार चित्र का भ्रमण का कार्य कर रहे हैं। रईस खान शायद पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव को काफ़ी बदल कर रख दिया है। उनका दावा है कि पहले चुनाव के दौरान प्रत्याशी डायरेक्ट मतदाता से नहीं मिलते थे, बाहरी दो चार लोग से मिलकर पैसे के बल पर चुनाव जीत कर भूल जाते थे कि उनको किन समस्याओं के निदान के लिए चुना गया है। आज तक MLC चुनाव की जीत के बाद ना तो कभी पंचायत के प्रतिनिधियों के समस्याओं को सदन में उठाया गया, ना ही उनके हित की बात कभी की गई है। रईस खान ने कहा कि वह हर समस्या जिसके लिए चुना जाएगा उन्हें मैं सदन में आवाज़ उठाने का काम करूंगा, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है। अब की बार इस चुनाव से होना हो यह तो साबित ज़रूर हो गया है कि पैसे के बल पर बाहर से आकर या आसानी से चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता है, उसको लोहे के चने चबाने होंगे। ज़मीनी स्तर पर लगातार चुनाव प्रचार कर रईस खान ने शायद यह अब साबित कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि वोटर किसे वोट देकर समस्याओं का निदान निकालते हैं। हम लोग जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हमारे जो समर्थक हैं अटोल सिवान के हर जगह शहर कोने से टोटल जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और समर्थक भी उपस्थित थे। और 14 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है। हमने अपील अपने लोगों से किए हैं कि आप लोग 14 तारीख को आइए और नॉमिनेशन को सक्सेसफुल बनाना है। और चुनाव में जो रणनीति है इस पर हम लोग विचार विमर्श भी किए हैं, अभी विचार विमर्श चल ही रहा है और चुनाव के लेकर ही पूरी जोर तौर से तैयारी चल रही है। अभी तो नॉमिनेशन की तैयारी चल रही है सिवान में, उस दिन देखिए कितने समर्थक सिवान में उपस्थित होते हैं। 14 तारीख को नामांकन है, कहाँ से आप निकलेंगे और लोग कहाँ जुटेंगे, जो आपके समर्थक हैं वो कहाँ जुटेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे? हम तो अपने घर से निकलेंगे, ग्यासपुर से निकलेंगे और यहाँ टोटल हमारे जितने भी समर्थक हैं इस ढाला पर प्रेजेंट रहेंगे। कोई सभा का भी आयोजन किया गया उस दिन? जी, गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन के बाद हम लोग सभा करेंगे गांधी मैदान में और जितने भी दूर से समर्थक आए खाने पीने का व्यवस्था। तो यह माना जाए कि 14 तारीख की जो भीड़ होगी वो बिल्कुल रिकॉर्ड भीड़ हो सकती है। अब आगे देखते जाइए, आप लोगों को देखना है, उस दिन तो आप लोग सब लोग रहिएगा मौजूद। जी जी, समझे, हम अपील करेंगे कि रिकॉर्ड टूटे। जी जी, और रिकॉर्ड टूट भी सकता है। जी जी, और आज देखा गया कि तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आपने अबीर गुलाल भी लगाया, होली का एक संदेश दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान में हम लोग हमेशा मिलजुल कर सारे यहाँ सारे वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर होली ही सब लोग मनाते हैं। और होली का पहले हम लोग सब भाइयों को शुभकामनाएं भी है और हम लोग आज होली मिलन जो था आज ही हम लोग खेल लिए हैं और आगे 18 को होली है ना, 18 को भी खेलेंगे।